शिवसेना द्वारा ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के दर्शन होने के उपरांत महानगर व जिले में शिवसेना द्वारा भगवान शिव की आराधना के उपरांत महाआरती का कार्यक्रम किया गया। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ज्ञानव्यापी में मुस्लिम समुदाय द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का विरोध शिवसेना द्वारा व उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा पिछले कई वर्षों से हो रहा है। शिवसेना द्वारा इस संदर्भ में लगातार विरोध प्रदर्शन व गिरफ्तारियां भी हुई व शिवसेना का हमेशा ये नारा रहा है कि काशी विश्वनाथ में श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी हमारा है, आज हमारी विजय हुई है। शिवसेना द्वारा महाआरती व मिठाई वितरण करके हर्ष मनाया गया। पीतल नगरी शिव मंदिर पर शिवसेना पदाधिकारियों व शिव सैनिकों ने आरती की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीरेंद्र अरोड़ा, विदित भटनागर, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, राजीव राठौर, विशाल शर्मा, अरुण ठाकुर, राजपाल सिंह, जितेंद्र, पंकज सिंह, धर्मपाल, सुरेश रस्तोगी, उमेश ठाकुर आदि ने भाग लिया। खुशी का दिन है, हम बहुत समय से हमारे यहाँ लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। सबसे पहले भगवान श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर का स्थापना हो रही है, उसके बाद सभी हिंदुओं की, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं की एक ही परिकल्पना और एक ही मांग है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा, इन दोनों के लिए हमेशा हिंदू संगठन लड़ते रहे हैं, बहुत से रक्तपात हुए हैं। कल जिस तरह से यहाँ पर शिवलिंग काशी विश्वनाथ में जो आयोग पहुँचा, उसके द्वारा जो बताया गया है कि हमारे शिवलिंग जो मिले हैं उसके लिए आज शिवसेना ने महाआरती करी है, उत्साह मनाया, जगह जगह महाआरतियाँ हुई हैं और प्रसाद वितरण हुए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं। आपके को बता दूं मैं इसमें शिवसेना काफ़ी समय से इसमें गिरफ्तारियां दे रही है कि गौरी श्रृंगार के मंदिर पर जबरदस्ती जो हमला करके आतंकियों ने अपनी मंदिर को तोड़ा गया था और इसके अंदर जो अवशेष मिल रहे थे, आज हम सब लोग इसमें खुश हैं। हमने महाआरती करी और भगवान से प्रार्थना करी है कि ये जल्दी से यहाँ काशी विश्वनाथ में एक मंदिर, भव्य मंदिर ज्ञानवापी में बने। इसीलिए आज हमारे यहाँ जो हमारे पीतल नगरी क्षेत्र में और संगठन में मजबूती से काम करने वाले राजीव भाई, जितेंद्र भाई, सू भाई, धर्मपाल भाई, सभी लोगों ने मिलकर के ये कार्यक्रम करा। महानगर में इसी तरह के कार्यक्रम खूब तेजी से होंगे और हम सब लोग इसमें अगर कहीं संघर्ष करना पड़ेगा शिवसेना को, तो हर तरह से संघर्ष करेगी और इसके लिए संकल्प लेकर के आज शिवसेना इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। जय भवानी, जय शिवानी।